हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेस्ट राइडर्स। तो फ्रेंड्स, जो आज हम बात करने वाले हैं कि पिगमेंटेशन ना बहुत तरह की पिगमेंटेशन होती है। मतलब आप इमेजिन भी नहीं कर पाओगे कि कितनी तरह की पिगमेंटेशन होती है। बट जो कॉमन पिगमेंटेशन है दैट इज़ मेलाज्मा। मेलाज्मा से बहुत ज़्यादा लोग परेशान रहते हैं। बट आज मैं कुछ ऐसी पिक्चर्स आपको मैं आगे दिखाने वाली हूँ। तो सबसे पहले तो आप नोट कीजिए कि आपको किस तरह की पिगमेंटेशन है, क्योंकि मैं जब हम रेमिडीज़ बताते हैं तो जो रेमिडीज़ होती है वो कॉमन होती हैं कि चलो इसके ऊपर वर्क कर जाएंगी, इसके ऊपर वर्क करें, क्योंकि हम एक दूसरे को जानते नहीं हैं और हमें पता नहीं है, आपका फेस भी नहीं देखा हुआ, तो वो हम एक कॉमन एक एवरेज लेके चलते हैं कि किस तरह की जो सबके ऊपर सूट कर जाए। तो वो कईयों को सूट करती है बट कईयों को वो जो रेमिडीज़ हैं वो सूट नहीं करती हैं। तो आज मैं कुछ पिक्चर्स आपके साथ शेयर करूंगी। सबसे पहले तो आपने मुझे कमेंट करके जो सबसे पहली चीज़ बतानी है कि आपको किस तरह की पिगमेंटेशन है। तो आप वो जो है पिगमेंटेशन का नंबर और नाम लिख के सिर्फ आपने क्या करना, जो पिगमेंटेशन आपको है उसका नंबर और नाम लिख के आपने सिर्फ मुझे कमेंट करना है। अगर वो जो पिगमेंटेशन जितनी ज़्यादा होगी, जिस जो पिगमेंटेशन की सबसे ज़्यादा एवरेज निकलेगी कि बहुत सारे लोग अगर दैट पर्टिकुलर पिगमेंटेशन से सफर्ड है, तो उसके ऊपर मैं वीडियो भी बनाऊंगी और उसकी जो है मेडिसिन भी आपके साथ शेयर करूंगी, जो भी अल्टरनेटिव मेडिसिन होती हैं, क्योंकि आई एम MD इन ऑल्टरनेटिव मेडिसिन, दैट इज़ नेचुरोपैथी से रिलेटेड। और जो भी हमारी जड़ी बूटियाँ होती हैं उसमें और इसमें आ जाता है, एक्यूप्रेशर पॉइंट्स आ जाते हैं। तो आपको किस तरह का ट्रीटमेंट चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। उसमें आपको मैं, अगर आप कहेंगे तो उसमें आपको मैं एक्यूप्रेशर पॉइंट्स भी बताऊंगी, जो कि आपके जो पिगमेंटेशन है उसको कम करने में काफ़ी हद तक हेल्प करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही पुरानी जो है पद्धति है। पहले ये एक्यूपंचर हुआ करती थी, अब ये एक्यूप्रेशर हो गई, क्योंकि एक्यूपंचर से लोग डरने लग गए हैं। बट कई ऐसी जगह है जहाँ पे एक्यूपंचर अभी भी चल रहा है। ठीक है, तो उसमें आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो पहले आप वो पिक्चर्स देख लें कि उस पिक्चर्स में क्या है। देन मैं आपके साथ एक ड्रिंक शेयर करूँगी और कुछ टिप्स आपके साथ शेयर करूँगी, और गाइनी से रिलेटेड क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं तो वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि गाइनी से रिलेटेड क्या हो सकती है। बस बट वो वाली प्रॉब्लम मैंने शायद आपके साथ पहले किसी भी वीडियो में शेयर नहीं की कि उसके कारण भी दाग धब्बे झाइयाँ हो सकते हैं। तो मैंने जो शेयर की हुई है वो है उसमें कि आप अगर जिस तरह कई बार होते हैं पिल्स ले लेते हैं, या आपका जो वर्क है, काम करने का ढंग है, उसमें इस तरह का आपका काम करने का ढंग है कि आपकी नींद पूरी नहीं हो पाती है, या आप जो खाना समय पर नहीं लेते हैं। और जो बेस्ट, जो सबसे पहली चीज़ है वो मैं आपको ये बताना चाहूँगी, आप पिक्चर्स भी देख लीजिए, देन आप ड्रिंक भी जो मैं प्रिपेयर करूँगी वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। बट सबसे पहले जानना ये मेरे लिए बहुत ज़रूरी है कि जिनको भी स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, अगर उनको कॉन्स्टिपेशन है, देन दैट इज़ द मेजर जो है कॉज होता है आपके स्किन के ऊपर, स्किन से रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको आ रही है, तो उसको भी क्योर करने के लिए, ठीक है ना, आपको जो त्रिफला का चूर्ण आता है उसको आप ज़रूर लीजिए, उसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, आप उसको लीजिए। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है तो पहले अपने जो है पेट को क्लियर कीजिए, देन उसके बाद हम स्टेप टू स्टेप वाइज आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, पिक्चर्स देख लेते हैं। पहले जो सबसे पहले आएगा दैट इज फोटोमेलानोसिस या फ्रैकल्स जिसको बोलते हैं, वो देखने में इस तरह का होता है। देख लीजिए, आप ध्यान से देखिए और देखने के बाद मुझे कमेंट करके और नंबर लिख के ज़रूर बताइए कि आपको कौन सी प्रॉब्लम है। देन आ जाती है PIH, ठीक है, वो इस तरह की होती है देखने से, पोस्ट इन्फ्लामेटरी हाइपर पिगमेंटेशन। फिर होती है पिगमेंट कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, वो इस तरह की होती है देखने में, स्किन के ऊपर आपको इस तरह से देखने को मिलेगी। देन फोर्थ आ जाती है मेलास्मा, जो बहुत ही कॉमन है, बहुत से लोग इससे जो है सफर्ड हैं और बहुत ही परेशान है और डिप्रेशन में चले जाते हैं, और डिप्रेशन एंग्जाइटी को दूर रखना होगा। फिर ये होती है ड्रग इंड्यूस्ड पिगमेंटेशन, किसी भी ड्रग को लेने से, मेडिसिन को लेने से अगर आपको कोई एलर्जी हो गई है तो वो इस तरह की क्रोनिक हो जाती है धीरे धीरे, और ये तो कई बार लाइलाज हो जाती है। फ्रिक्शन मेलानोसिस है, फ्रिक्शन मेलानोसिस होता है जब स्किन आपस में रगड़ा खाती है, तब
कैंथोसिस निग्रिकंस, ये जो होती है ये आपके फोल्ड्स में, स्किन के जितने भी फोल्ड्स होते हैं वहां पे हो जाती है। तो ये इस तरह घुटनों पे, कोनियों पे, गले में इस तरह से होती है। फिर नेक्स्ट आ जाती है मैक्यूलर एम्ब्लोडोसिस, ये जो आपके फोल्ड्स होते हैं जिस तरह घुटने के नीचे इस तरह के काले काले निशान पड़ जाते हैं, और ये पीठ पे बहुत ज़्यादा देखी जाती है, पीठ पे और गर्दन की बैक साइड पे होती है कई लोगों के। इस तरह से ये जिसे आपको दिखाई दे रही है, इस तरह के स्पॉट्स ब्लैक कलर के होते हैं। फिर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी, जो कि इसको इतना ट्रिगर करती है ना पिगमेंटेशन को, इसलिए विटामिन B12 के सप्लीमेंट्स लेने बहुत ज़रूरी है। आपके मुंह में इस तरह के दाग दिखाई देंगे और स्किन के ऊपर ये हैंड्स इस तरह से डीपिगमेंटेड हो जाएंगे आपके। देन स्मोकर पिगमेंटेशन, पिगमेंटेशन ड्यू टू स्मोकिंग, जो लोग स्मोकिंग बहुत करते हैं, अल्कोहल शराब बहुत पीते हैं और नशा बहुत करते हैं, जर्दा खाते हैं, तो उन लोगों को इस तरह की पिगमेंटेशन हो जाती है। तो ये देखिए माउथ में इस तरह से हो जाता है। तो फ्रेंड्स जो पिक्चर्स हैं आपने सबने देख ली हैं, पिक्चर्स जो मैंने आपको शो कर दी हैं, तो इसमें जो है आप जो है विटामिन बी ट्वेल्व की डेफिशिएंसी जो बहुत ही इसको ट्रिगर करती है पिगमेंटेशन को, तो विटामिन बी ट्वेल्व के तो सप्लीमेंट्स लेना स्टार्ट कर दीजिए। जो भी जो है वेजिटेरियंस में विटामिन बी ट्वेल्व की डेफिशिएंसी होती ही होती है, क्योंकि उन्हें विटामिन बी ट्वेल्व मिलता ही नहीं है, क्योंकि वो मिलता ही जो है नॉन वेजिटेरियन फूड में ज़्यादा होता है, वेजिटेरियंस में दूध दही पनीर इस तरह के आइटम्स में होता है, और वो आप बहुत कम खाते होंगे, ठीक है ना। तो चलिए अब ये हो गया, आपने मुझे कमेंट करके बताने कि आपको किस तरह की पिगमेंटेशन है। नेक्स्ट अब हम चलते हैं अपना ड्रिंक तैयार करने के लिए। ये देखिए अब मैंने इसमें जो लिया है वन एंड हाफ है एस्टिमेट, इतनी ही बाउल है, इसमें मैंने कर्ड लिया है, ठीक है। कर्ड के साथ मैंने इसमें डाला है शक्कर, तो शक्कर आप डालेंगे तो इसके बहुत अच्छे बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। गुड़ डाल सकते हैं तो गुड़ डाल लीजिए मिठास के लिए, और शक्कर डाल सकते हैं तो आप इसमें शक्कर डाल सकते हैं। देन हमने इसमें जो ऐड करना है वो है अलसी, तो अलसी का जो पाउडर है वो मैंने बना के रखा हुआ, वो मैं एज इट इज़ ही इसमें ऐड कर लूँगी। और साथ में अगर आपने इसमें फ्रूट को ही ऐड करना है तो आप इसमें बनाना ऐड कर सकते हैं, और आप इसमें ऐड कर सकते हैं थोड़ा सा जो है वो जौ का पाउडर, ठीक है, जौ का पाउडर ऐड कर लीजिए, या ओट्स जो होते हैं ओट्स आप इसमें ऐड कर लीजिए। ओट्स को पहले ग्राइंड कर लीजिए, तो ग्राइंड करने के बाद उसका पाउडर बना के रख लीजिए, और उसको 2 चम्मच आप इसमें जो है ओट्स पाउडर आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो ड्रिंक है आपको बहुत ही जो है ओमेगा 3 रिच होगा, और आपको अंदर से क्लीन करने के लिए बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है ना। तो ये देखिए ये है मेरे पास जो है अलसी का पाउडर, मैंने बना के रखा हुआ है, क्योंकि कई बार अलसी जो है वो पूरी इसमें जो है ग्राइंड नहीं हो पाती है, ठीक है। और अब हम इसमें जो डालेंगे बनाना, ये देखिए अब मैं इसमें बनाना ऐड कर लूँगी, और साथ में मैं इसके ऐड करूँगी अपना ओट्स का पाउडर। देन इसको हम जो है एक मिक्सी में घुमा लेंगे, और ये हमारी जो है डिलीशियस लस्सी बनकर तैयार हो जाएगी। आप इसी को जो है अगर आपको लस्सी जो बेनिफिट हमें बहुत देगी, जो इसमें जो एंजाइम्स होते हैं ना वो हमारी गट के लिए बहुत अच्छे हैं, गट को क्लीन करने के लिए और उसमें नाइट्रिक ऑक्साइड को बढ़ाने के लिए। दूध ले सकते हो दही की जगह पे, और जिनको दूध में अच्छा लगता है वो दूध में बनाए, जिनको लस्सी में मतलब कर्ड में अच्छा लगता है तो वो कर्ड में बनाकर इसको पी सकते हैं। तो दिन में आप इसको 1 टाइम ही पी लें तो बहुत ही आपको, जो अभी कई लोग बोलते हैं कि गर्मियों में हमें अलसी से गर्मी हो जाती है, तो बट ऐसा कुछ नहीं होता, ये गलत फहमी है। तो अगर आप इसको दही में लेंगे जिनको अलसी से गर्मी हो जाती, तो आप इसको कर्ड में ले सकते हैं, तो आपको ऐसी सच कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, ठीक है। तो आप इसको जो शाम को जिस तरह आप चाय वगैरह लेते हो तो वो चाय बंद कर दीजिए, और आप इसको ले सकते हो शाम को, ठीक है, आप चाय की जगह पे इसको ले सकते हो रोज। या आप जिस तरह सुबह योगा वर्कआउट करके कुछ भी आते हो तो आप इसको सुबह वर्कआउट के बाद आप इसको इस ड्रिंक को ले सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको बहुत बेनिफिट देने वाला है। साथ में आप इसमें जो है ये इस तरह से होती हैं चिया सीड्स, ठीक है,
तो आप चिया सीड्स का हाफ टी स्पून है उसको पानी में पहले भिगो के रख दीजिए आधा से एक घंटे तक, तो ये फूल के डबल साइज हो जाएंगे। तो आप इसमें चिया सीड्स ऐड कर सकती हैं, क्योंकि चिया सीड्स जो होते हैं वो ठंडी होती है इनकी तासीर, ठीक है। तो आप ये, और एंटीऑक्सीडेंट रिच होते हैं, आप ये ऐड कर सकते हो साथ में। अगर आपको बहुत ज़्यादा आपका शरीर गर्म रहता है या आपको गर्मी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, देन आप इसमें ऐड कर सकते हैं, ये इस तरह का होता है गूंद कतीरा, आप इसको यूज कर सकते हैं। इसको भी इसी तरह से पानी में भिगो के रखना पड़ता है, इसको रात को भिगो दीजिए और सुबह आप इसको यूज कर सकते हैं। तो इसको आपने जो है, जब आपका ड्रिंक तैयार हो जाएगा, आपने देखा होगा कुल्फी में जो आप कुल्फी हम खाते हैं मटके वाली कुल्फी, तो उसमें गूंद कतीरा डाल के दिया जाता है, ये गर्मियों में बहुत अच्छा होता है। तो आप इसको जो है 1 टीस्पून या 1 टेबलस्पून, आप इसको अगर थोड़ा ज़्यादा भी या कम हो, ज़्यादा हो जाए तो इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, एक्चुअली ये बहुत टेस्टी लगता है। जब आपका ये ड्रिंक तैयार हो जाए तो इसमें आप इसको डाल सकते हैं, ये भी जो पानी में फूल के डबल साइज का हो जाता है, तो इसको आप इस तरह से ही चबा के खा सकते हैं। तो आपका जो ये ड्रिंक है बहुत ही अच्छा बनने वाला है, और ये स्किन से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, मुंह पे दाग धब्बे छाइयां, यहाँ तक कि एक्नी, जिस तरह के भी दाग है उनको हटाने में बहुत मददगार होता है, क्योंकि ये आपको अंदर से क्लीन करेगा और अंदर से आपको ताकत देगा। तो इन चीजों का, बाहरी जो हम लगाते हैं उनके अलावा अंदर से ये चीज, सब चीजें खानी बहुत ही जरूरी होती हैं, ठीक है। और साथ में वर्कआउट करना बहुत ही जरूरी है। ये देखिए जो हमारा ये क्रीमी सा थिक सा ड्रिंक है, ये बनकर तैयार है। तो अगर आप इसका एक ग्लास सुबह या शाम को पी लेते हैं, अगर 2 टाइम्स पी लें तो बहुत ही बढ़िया है। 2 टाइम्स पीने के लिए आप इस तरह कर सकते हैं कि सुबह 1 स्पून अलसी का ले लीजिए और 1 स्पून शाम को ले लीजिए, अगर आपको ज़्यादा इससे गर्मी होती है तो। आप इसको इस तरह से डिवाइड करके ले सकते हैं, ठीक है। तो उसमें जो कर्ड है वो आपके अंदर ज़्यादा चले जाएगा, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और जो गूंद कतीरा है वो आप डबल ले सकते हो। अगर जिनको अलसी से प्रॉब्लम है तो वो उसको डिवाइड करके 2 टाइम्स ले सकते हैं, ठीक है। तो ये ड्रिंक बहुत ही अच्छा है। और दूसरी चीज इससे है कि आपका वेट लॉस भी होगा, ठीक है ना, वेट लॉस होगा। जो आपकी जो असेंशियल फैट है, जो हमें स्किन पर फैट चाहिए होती है, तो जो असेंशियल फैट है वो स्किन के ऊपर आपके रहेगी, बट आपका वेट भी लॉस होगा। इसलिए जो ये बड़ी ही होता है कि जब हम फैट लूज करते हैं ना, तो उससे भी जो दाग और धब्बे जो हैं वो पड़ने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि स्किन जल्दी रिएक्ट होती है हर चीजों से। तो इसलिए जो स्किन की जो हाइपोडर्मिस, जो सबसे नीचे वाली लेयर होती है, सबक्यूटेनियस लेयर, उसमें जो है फैट का होना बहुत जरूरी होता है। तो ये सब चीजें जो है वो हमारे फैट को भी मेंटेन करके रखती हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये देखिए इस तरह से आपने इसको जो है पीना है, ठीक है। ये यमी सा ग्लास हमारा रेडी है। अगर आप इसको पियोगे, एक तो इसको पीने के बाद आपको जो भूख भी है बहुत कम लगेगी। अगर भूख कम लगेगी तो आपके अंदर जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं उसकी आपको कम जो है, अगर कार्बोहाइड्रेट्स अंदर जाएंगे, उसको खाने की, जैसे रोटी खाने की आपको जो होगी ना ललक, वो आपकी कम होगी। और जो रोटी भी आपने खानी है वो आपने किस तरह खानी है, जो आटा आप यूज़ करते हो ना, उस आटे को किस तरह से यूज़ करना है मैं आपको एक बार फिर से रिमाइंड करवा देती हूँ। आप 50% जो है वीट कीजिए, उसमें 20% आप चने का आटा डालिए, ठीक है, और 20% ही आप उसमें सोयाबीन का आटा डालिए, और 10% उसमें ब्रैन रखिए, ठीक है। तो वो आटा जो है आपके लिए बहुत ही हेल्दी होता है वो आटा। और जितना हो सके फ्रूट्स एंड वेजिटेबल अपनी डाइट में शामिल कीजिए। जो सप्लीमेंट्स हैं ओमेगा 3 के या फिश ऑयल के, अगर वो आप ले सकते हैं साथ में तो वो लीजिए। अगर आप इस तरह से ड्रिंक ही अगर आप ले लेते हो और अपनी जो डाइट है उसको पूरा अच्छा रखते हो, तो आपको कोई भी चीज़ जो एक्स्ट्रा सप्लीमेंट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। क्योंकि जब हम वर्कआउट करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो हमारे फ्री रेडिकल्स जो है वो डैमेज होने शुरू हो जाते हैं, ख़त्म होने शुरू हो जाते हैं। और फ्रेंड्स मैं एक बात और बताना चाहूंगी, अगर आप में से किसी को भी जिस तरह की ल्यूकोरिया की प्रॉब्लम होती है, ल्यूकोरिया मींस अगर सफेद पानी,
कई बार होता है टीन एजिंग से ही शुरू हो जाता है सफेद पानी का आना। अगर इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम है, जो बच्चे होते हैं, टीनेजर्स होती हैं गर्ल्स, या हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, तो ल्यूकोरिया की अगर प्रॉब्लम होती है, बच्चे जो है ना पेरेंट्स से छुपाने लग जाते हैं, तो लो उनको भी जो मदर्स हैं उनको देखना चाहिए कि अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है। और अगर बड़ों को ये प्रॉब्लम है, देन ये भी एक बहुत बड़ा कारण होता है आपके स्किन के ऊपर जितने भी डैमेज हो रहे हैं, दाग धब्बे जो आ जाते हैं, झाइयाँ हो जाती हैं, तिल बनने शुरू हो जाते हैं, तो ये सब कारण जो भी है वो सफ़ेद पानी के आने से भी हो सकता है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, अगर आप में से किसी को भी ये प्रॉब्लम है और उसके साथ आपको स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले अपने डॉक्टर के पास जाना है और अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाइए, और उसका ट्रीटमेंट लेना बहुत ज़रूरी है। तभी आपको जो है कोई भी हम बाहरी तौर पर अगर कुछ भी लगा रहे हैं, तभी आपको उसका जो है फायदा मिलने वाला है। अगर आप उन चीजों को नहीं देखोगे तो आपको कोई फायदा नहीं मिलने वाला, बाहर से आप जो मर्जी लगाते रहिए। और कई बार होता है कि हम बोलते हैं कि हमने घी नहीं खाना है, जी घी नहीं, तो गाय का घी कम से कम 1 या 2 चम्मच खाने, उनको उसको भी गर्म नहीं करना दोबारा से, गाय के घी को भी रोटी के ऊपर डाल लीजिए, सब्जी के ऊपर डाल लीजिए, तो गाय का घी जो है आप खा सकते हैं। और रिफाइंड ऑयल में तो जो है सब्जी बिल्कुल भी नहीं बनानी, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो देसी घी में खाना बनाइए, अगर नहीं अफोर्ड कर सकते हो तो आप सरसों के तेल में खाना बना सकते हैं, बट रिफाइंड ऑयल को उठा के घर से बाहर फेंक दीजिए, ठीक है। एक तो ये चीज हो गई, और दूसरी चीज हो गई है कि अपने खाने में जब भी आप खाना खाते हो तो उससे पहले जो है खाने की प्लेट को नंबर 2 प्लेट रखिए, और सबसे पहले आप जो है एक सैलेड की प्लेट को खाना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप सैलेड खाते हो तो हमारी गट के अंदर जो नाइट्रिक ऑक्साइड है उसका एक वो बढ़ती है, और नाइट्रिक ऑक्साइड ऐसी चीज है जब वो बढ़ती है तो आपका ब्लड प्रेशर, आपका शुगर, जितने भी प्रॉब्लम है, आपको डायबिटीज की प्रॉब्लम है या आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा है, आपका लिवर में प्रॉब्लम है, फैटी लिवर की प्रॉब्लम है, और सारी प्रॉब्लम्स आपकी ठीक हो जाएंगी, क्योंकि जो है आपका हर चीज़ जो है लिवर से होके जाती है। लिवर हमारे जो शरीर का क्या है, एक पहरेदार है, तो लिवर डिटॉक्सिफाई हो जाएगा तो आप सारी प्रॉब्लम से आपकी ठीक हो जाएंगी। तो नेक्स्ट फ्रेंड्स आता है कि जिस तरह से आपने जो क्या और क्या कर सकते हैं, आप अपनी जो बाहरी स्किन है उसकी भी जो है क्लीनिंग अच्छी से कीजिए, टोनिंग कीजिए, मॉइस्चराइजिंग कीजिए, खाने पीने का ध्यान रखिए। तो इस तरह से ये सब छोटी छोटी बातें जो है आप ध्यान में रखकर, तो बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट इसका मिल सकता है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, स्टे हैप्पी एंड हेल्दी।